यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज देखते हैं. राइट द करेक्ट ऑप्शन वन नंबर V2 वॉज अ प्लेन. यहाँ पर ऑप्शन देखो क्रो, बलून, पैरट या मैंगो. V2 क्या है तो पैरट है, तो हमें यहाँ पर प्लेन में लिखना है V2 वॉज अ पैरट. और यहाँ पर बॉक्स में आएगा C2 नंबर V2 हैड अ रेड ब्लैक. V2 की रेड कलर थी क्या थी? बीक. एप्पल, बलून या मैंगो तो क्या था? बीक थी. तो यहाँ पर V2 हैड अ रेड बीक. और यहाँ पर बॉक्स में आएगा A3 नंबर V2 वॉज ब्लैक इन कलर रेड ग्रीन ब्लैक येलो. V2 कैसे कलर का था? ग्रीन कलर का था. V2 वॉज अ ग्रीन इन कलर. और यहाँ पर बॉक्स में आएगा B4 नंबर V2 लव टू ब्लैक सी टॉप ई फ्लाई. V2 को क्या पसंद था? फ्लाई यानी कि उड़ना पसंद था. तो यहाँ पर फ्लाई आएगा V2 लव टू फ्लाई. और यहाँ पर बॉक्स में आएगा D5 नंबर व्हाट डिड V2 सी ऑन अ ट्री. V2 ने पेड़ पर क्या देखा? बिग येलो मैंगो, बिग रेड एप्पल, बिग रेड बलून या बिग ऑरेंज. तो क्या देखा था? बिग येलो मैंगो. तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा A. 6 नंबर व्हाट डिड V2 लाइक. V2 को क्या पसंद है? ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगोज या एप्पल्स. तो मैंगोज पसंद है. तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा C. 7 नंबर व्हाट डिड द क्रो से टू V2. वो क्रो है वो V2 से क्या कहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो गो अवे दिस इज माय ट्री, गो अवे दिस इज माय बलून, गो अवे दिस इज माय मैंगो, गो अवे दिस इज माय पैरट. तो क्या बोलता है वो क्रो? गो अवे दिस इज माय ट्री. तो यहाँ पर आएगा बॉक्स में A. अब हम देखते हैं 8 नंबर वो हैड अ लाउड वॉइस. तो V2 मैंगो क्रो या बलून. तो क्रो की आवाज बहुत ही वो थी. तो यहाँ पर आएगा C. व्हाई डिड V2 फ्लाई अवे. ही डिड नॉट लाइक मैंगोज. ही लाइक मैंगोज. ही वॉज एंग्री या ही वॉज अफ्रेड टू द क्रो. तो क्या आएगा? ही वॉज अफ्रेड टू द क्रो. तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा D. 10 नंबर व्हाट डिड V2 सी अंडर अ ट्री. V2 ने पेड़ के नीचे क्या देखा? अ रेड अ ब्लैक क्रो, अ रेड बलून, अ येलो मैंगो या अ ग्रीन मैंगो. तो क्या देखा था? अ रेड बलून. तो यहाँ पर आएगा बॉक्स में D. 11 नंबर वेयर वॉज द रेड बलून. तो इन द ट्री, बिहाइंड द ट्री या अंडर द ट्री. तो कहाँ पर था रेड बलून? अंडर द ट्री. तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा C. 12 नंबर व्हाट डिड V2 पिक अप. द रेड बलून, द ब्लैक क्रो, द येलो मैंगो, द ग्रीन मैंगो. तो द रेड बलून यहाँ पर बॉक्स में आएगा A. 13 नंबर वेयर वॉज द क्रो सिटिंग. क्रो कहाँ पर बैठा था? अंडर द ट्री, अप द ट्री, इन द ट्री या बिहाइंड द ट्री. तो अप द ट्री यहाँ पर आएगा B. देखते हैं नंबर 14 V2 वेंट ब्लैंक द ट्री. यहाँ पर ऑप्शन देखो इन, अंडर, ऑन, बिहाइंड. तो V2 वेंट बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे था. बिहाइंड द ट्री एंड यहाँ पर आएगा ऑप्शन में बॉक्स में D. 15 नंबर व्हाट डिड V2 डू विद द बलून. ही गेव इट टू द क्रो. ही ब्रश्ड इट. ही ड्रॉप इट डाउन. ही प्लेड विथ इट. तो बलून के साथ उसने क्या किया? ही ब्रश्ड इट. तो यहाँ पर आएगा B. 16 नंबर हाउ डिड V2 ब्रश द बलून. ही ब्रश्ड इट विथ विंग्स. ही ब्रश्ड इट विथ लेग्स. ही पिक इट विथ हिज बीक. ही पैक इट विथ ट्री. तो उसने बलून को कैसे ब्रश किया था? तो ही पिक इट विथ बीक से. तो यहाँ पर C आएगा. 17 नंबर वो फेल ऑफ द ट्री. बलून, मैंगो, मिंटू या क्रो. तो क्या आएगा? क्रो. तो हमें बॉक्स में लिखना है D. 18 नंबर व्हाट हैपेंड टू द क्रो व्हेन द
Mittu brushed the balloon. He was happy. He was surprised. He fell off the tree. He hid behind the tree. तो क्या आएगा? He fell off the tree. यहाँ पर आएगा C. 90 number. Why was Mittu happy? Mittu क्यों खुश हुआ? The rope fell away. He ate the mango. He got a red balloon. He brushed the balloon. तो क्या आएगा? The rope flew away. Rope चला गया था इसलिए. तो यहाँ पर आएगा box में A. 20 number. Mittu was a blank parrot. Clever, dull, nervous या happy. तो Mittu कैसा था? Clever. तो यहाँ पर clever लिखना है हमें. और बॉक्स में आएगा A. Okay, thank you.